लूप के बिना तो काम होगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो हाँ तो भाई करूँगा, अभी डिप करता हूँ यार। नहीं क्वेश्चन दूंगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन दूंगा यार, जब तक बताऊंगा नहीं तो क्वेश्चन दूंगा। हाँ तो अब जैसे सारे सीट पर है जाना जाना तो हो जाएगा, अब सब सीट पर तो जाओगे ना। चला अब जैसे मैंने बोला था आप, एक होता है फोर लूप, फोर इच, उस दिन बताया था फोर लूप, एक होता है फोर इच, फोर इच मतलब क्या होता है, जैसे फोर इच है ना, अब इसको हम, मैंने कहा फॉर इच सेल इन रेंज A9 से लेकर E14, ठीक है। अभी ये मैं सेल पर कर रहा हूँ, हम ये फोर वर्कबुक पर कर सकते हैं, फोर सारे वर्कशीट पर कर सकते हैं, सारे फोल्डर पर भी सेट कर सकते हैं, सारे चार्ट पर कर सकते हैं, सारे पाइवट पर भी कर सकते हैं। हाँ ये क्या है, अगर मान लो अभी हम लोग इतने लोग बैठे हुए, पांच लोग, अब किसी को कोई पर्चा मिला, बोला उस कमरे में जाके सबको दे दो, तो वही हो जाएगा फॉर इच पर्सन, फॉर इच पर्सन इन दिस रूम डॉट पर्सन्स, इस रूम में सबको दे के आओ। हाँ फोर फोर जो सिंपल फोर था, फोर आई इज इक्वल टू वन टू, यहाँ तक चले पाँच से दस तक। तो कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं, कुछ क्यूरी, जो कुछ सवाल जो फोर इससे भी बन सकते हैं, फोर आई से भी बन सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है कि, लेकिन कुछ है जो फोर इच से ही बनेगा, कुछ फोर आई से ही बन सकता है। अब ये मैंने कहा फॉर इच सेल इन रेंज, जैसे अगर मान लो मैंने अभी 20 वर्कबुक खोला हुआ हूँ, 20 फाइल खोला हुआ, मैंने उसमें कहा कि राम नाम का छोड़ के बाकी सारे को बंद कर दो। अगर एक को बोलूँगा कि राम को ही बंद कर दो, तब तो आपको आसान है, हो जाएगा, लेकिन बोलूँगा राम को छोड़ के बाकी सबको बंद करो, तो आपको लगेगा टाइम। लेकिन फोर इच से हम जल्दी में कर सकते हैं। मैंने कहा फोर इच सेल इन रेंज A9 से E14, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस रेंज में हमें काम करना है, तो कर्सर इसमें बारी बारी से सब में यूं जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा यूं जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा यूं जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा यूं जाएगा, लेकिन कर्सर रहेगा यहाँ पर, या यहाँ छोड़ दोगे तो यहीं पर रहेगा, कर्सर मूव नहीं करेगा, एक्टिविटी होगा, एक्शन होगा, बैकग्राउंड पे एक्शन होगा। अब मैंने कहा नेक्स्ट सेल, अब इसको मैंने बड़ा नहीं करके छोटा में करता हूँ, तब थोड़ा समझ में आएगा। मैंने कहा ई, A9 से E9 हो गया, अभी यहाँ पे कर्सर है, अब देखो ये कर्सर मूव हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चला। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे मूव हो रहा है, MSG बॉक्स सेल डॉट एड्रेस, सेल मतलब ये है, मैंने कहा फॉर इच सेल इन रेंज, इस रेंज में इसको हम बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं ना, अगर होगा कर्सर मूव तो यूं होगा मूव। अब मैंने फर्स्ट बार चलाया, क्या है एड्रेस, एक कर्सर मूव हो रहा है लेकिन हमारा मेन कर्सर कहाँ पे है, वो कहीं ना वो जहाँ था वहीं था, लेकिन एक्टिविटी तो हुआ ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 5,
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? होगा अब मैं करूंगा, हो रहा है एक्शन। नवीन क्या डाउट हो रहा है बताओ। हाँ है? तो हम क्या कि हमने इसमें कहा कि फॉर इच सेल इन रेंज, ऐसे से किया। अगर हम इसी को फॉर लूप से बनाते हैं, वो वाला लूप जो उस दिन पढ़ाए थे, अगर मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 5 1 2 5 और नेक्स्ट आई, क्लियर। यहाँ पर भी कर्सर हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे एक एक था बताया था सेल्स का, तो सेल्स पहले रो रो तो इसका फिक्स है 9 और आई डॉट वैल्यू हो जाएगा ना, और इसी वैल्यू को मुझे मैसेज बॉक्स में दिखाना है, क्लियर। 39 33 15 52 31 हो गया, और इसी में सब में मुझे 5 जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखूँगा ये है, और ये इज इक्वल टू ए प्लस 5। हर किसी में 5 जुड़ गया है, लेकिन कर्सर होने रहा ना मूव, लेकिन अगर कर्सर मूव करना है तो यहाँ पे देखो लिख दूंगा सेलेक्ट या एक्टिव कुछ भी लिख दो। अब देखो तो ये डिपेंड करता है कि हमें कर्सर, हाँ 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 आई कर करके 5 दे सकते हो, लेकिन 5 आपको कहाँ पे है जोड़ना, सेल के वैल्यू पर ना। अगर आई प्लस 5 दोगे तो बता, यहाँ पे दूंगा आई प्लस 5 यूं, फर्स्ट बार में आई की वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 6। अगली बार में आई के फिर 2 तो 7। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 5 जोड़े। तो ये जो कैलकुलेशन है ये तो आपको ने डिसाइड करना है कि क्या करना है यहाँ पे। ये तो मैं तो कर्सर मूव करा रहा हूँ, वो तो मैं फील्ड कर रहा हूँ बता कि ऐसे होगा। ये कैलकुलेशन तो आपको इसमें जोड़ घटा गुना भाग तो एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये चीज हमने फोर इससे किया, हमने ये चीज किया है फॉर आई से। लेकिन सेम काम हम फॉर इच से तो हो रहा है ना। अब जैसे अगर मैं बोलू कि सारे सीट पर कर्सर लेके जाना है, सारे सीट को एक्टिवेट करें, तो जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके अनुसार फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 सीट्स डॉट काउंट और नेक्स्ट आई तो दे ही दो, ये तो पता है। और यहाँ पे हमको सीट को नाम से नहीं इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे सीट्स आई डॉट एक्टिवेट। अब देखो पहला सीट पर कर्सर है, दूसरा एक्टिवेट हुआ, हो गया तीसरा एक्टिवेट। तो हमने बनाया फोर से। अब इसको मैं फोर इच से बन रहा हूँ, बना इसी को
मैं फॉर इच से बना रहा हूं। देखो मैंने कहा फॉर इच सीट इन एक्टिव वर्कबुक डॉट सीट्स। और यहां पे नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? हाँ? सीट, मतलब फॉर इच सीट इन एक्टिव वर्कबुक के सारे सीट में से हर एक सीट में। अब वर्क सेल क्यों रखोगे? सीट तो वर्क बुक में होगा, होगा ना? हाँ, तो फिर इच सीट नहीं लिखाएंगे ना, फिर तो इच लिखेंगे ना सीट। अगर चार्ट पर होगा तो आप लिखोगे चार्ट, पाइवट पर होगा तो पाइवट। अब यहाँ पे एक्टिवेट है कराना, तो डॉट एक्टिवेट तो लिखेगा, लेकिन इससे पहले क्या लिखोगे? अब हर सीट पर कर्सर ले जाना है, सीट को एक्टिवेट करना है ना, तो डॉट एक्टिवेट लिखोगे ना, लेकिन किसके? सीट के एक्टिवेट। इस कोड से हर सीट पर गया था ना कर्सर, सेम काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी हर सीट पर कर्सर जाएगा। काम वही हुआ, तो आप फोर लूप ले लो या फोर इच ले लो। अजय क्लियर हुआ? फॉर इच सीट इन, भाई फॉर इच सीट इन किस में? अब यहाँ पर आएगा, अब कहेगा कि इस रूम में जाके पर्चा दो, तो फॉर इच पर्सन इन दिस रूम डॉट पर्सन्स। अगर दीवार पर पोस्टर चिपकाना है तो फॉर इच वॉल इन दिस रूम डॉट वॉल्स। जो जिस ग्रुप में होगा उसी को तो दोगे ना। अगर सेल करोगे तो सेल पर होगा, चार्ट होगा तो चार्ट्स पर होगा, वर्कबुक होगा तो वर्कबुक पर होगा। यार सारे वर्कशीट होगा, सारे वर्कशीट्स होगा, उसी में से सीट निकलेगा। सीट का है तो ग्रुप वर्कशीट्स बनाना है। तो जो हम यहाँ पे कह रहे थे, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, फॉर इच सेल इन रेंज A9 से लेकर E14, मतलब मैंने ये सारे ले लिया है, लेकिन इसका एक्टिविटी ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पहले यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। हाँ, ये इसका बाय डिफॉल्ट फीचर है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट से, अब MSG बॉक्स सेल डॉट वैल्यू, क्योंकि कर्सर जब इसके लिए आएगा तो इसको वैल्यू होगा ना। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, देखो 49, अब क्या दिखाएगा? 41 हो गया, अब हो गया क्लियर। ये तो कर्सर मूव करने के लिए दिया, अब इसमें आपको जोड़ना है, घटाना है या डिलीट करना हो तो अपन डिपेंड करना है, वो तो आप पर डिपेंड करना है। अगर बोला जाए इसी में कि जो वैल्यू 40 से ऊपर है उसके सेल की कलर रेड कर दो या ब्लू कर दो, तो फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब लिखोगे इफ क्या डेट वैल्यू ग्रेटर देन 40 देन सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू बी वी रेड, जो आपने पीछे इसलिए कुछ इंटीरियर के स्पेलिंग गलत। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होता
तो ये आप नहीं कर सकते। तो उस समय जो एक एक लाइन था उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है, वो कब कहाँ होगा जरूरत, वो आपको पता होना चाहिए, आपकी डायरी होना चाहिए। अब मैं इसको कर रहा हूँ रन। तो ये कर्सर हमारा, ये डिपेंड कर्सर मूव करा या जो एक्टिविटी करा ना वहाँ पर। हाँ तो ये जो है, ये जो है, ये अगर अगर इस लाइन को हटा दूंगा, इस लाइन को, तो ये सिर्फ कर्सर मूवमेंट के लिए होना होता है। बाकी जैसे बिल्डिंग बनती है, अब देखोगे आजकल 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना है, तो क्या है, सिर्फ पिलर खड़ा करके उसने छोड़ दिया ना, कुछ नहीं, पिलर खड़ा है, फिर बाद में ईंट डालता है या फिर अलमारी डालना है, रेक डालना है या छत डालना, मतलब छत तो पहले हो जाता है, ये रेक बना है या खिड़की लगाना, वो सब क्या होता है, बाद की बात है। तो ये चीज़ तो आप बना के छोड़ दो कि मूव अप करे, बाकी अपना जो भी होगा। हाँ अच्छा, अभी जो हमने दिया था रेंज, इसको आप रेंज ने दे के आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ईच सेल इन सिलेक्शन। अब बता रहा हूँ, मैंने कर्सर रखा यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कर्सर रखोगे तो केवल इसी पर ना काम करेगा, यहाँ करोगे तो इस पर करेगा, अगर इस पर करोगे तो यहाँ पे रह लो। अब देखो हमने यहाँ रेंज नहीं दिया ना, सिलेक्शन दिया, तो उसने सिलेक्शन, तो ये सारे टूल्स है। अब आपको कब कहाँ किसका जरूरत पड़ेगा ये तो आपको ना डिसाइड करना है। अब जैसे मैंने कहा वर्कबुक वाला, अभी ये वर्कबुक, अब देखो कितने खुल गए, 11 तक है ना, अब मुझे 8 वाला को बंद बंद करना है, सॉरी 8 वाला, सॉरी 8 ने के 1 वाला भी मुझे सेव सेव करने दो, फाइल ये तो फाइल उड़ जाएगा। ठीक है, 8 वाला को छोड़ के सारे बंद करना है ना। अगर यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर लिखूँ, बुक 5 ही रहा ना, बता डॉट एक्सएलएस नहीं बताया है, लेकिन अगर इस पर जाऊं डॉट एक्सएलएस तो उसको छोड़कर सबको बंद है ना करना, बुक किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर ईच वर्क बुक इन वर्क बुक्स। हाँ, ऑब्जेक्ट वो दे रहे हो, ग्रुप कुछ भी दोगे, अगर सेल दोगे तो आगे भी तो सेल्स होगा ना, सेल होगा ना, अगर रूम दोगे तो रूम्स करोगे, घर दोगे तो घरे करेंगे, गांव करोगे तो गांव होंगे। नहीं नहीं एक चीज बताओ, अब मैंने कहा, उसने कहा कि इस सारे गांव में पर्चा बांट दो, तो सारे गांव में तो ऐसे नहीं कि गांव में जाके फेंक देगा या गांव के मेन गेट पर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो फॉर ईच हाउस इन दिस विलेज डॉट हाउसेस, अगर गांव के प्रत्येक आदमी को देना है तो ईच पर्सन इन दॉज इन दिस विलेज डॉट पर्सन्स, अगर इस गांव के सारे स्कूल को देना है तो फॉर ईच स्कूल इन दिस विलेज डॉट स्कूल्स।
बोलो नवीन, मुझे क्यों नहीं पूछो, डाउट क्लियर करो। अब मैंने कहा फॉर इच वर्क बुक इन वर्क बुक्स, अभी जो वर्क नहीं पूरा ग्रंथ ही नहीं, अभी वर्क बुक्स मतलब बहुत सारे मतलब जो वर्क बुक्स है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एम एस डी बॉक्स वर्क बुक किया, वर्क बुक डॉट नेम। अब देखो वर्क वर्क बुक ये भी एक खुला हुआ, ये कहाँ से आया, पर्सनल मैक्रोस लिया उठा, ये हमारा अभी वाला है, बारी बारी से आ रहा सब कर रहे हैं ना। अब इसको मैंने लिखा एक्स इजकल टू वर्क बुक डॉट नेम, और हमारा कौन सा था, आठ को छोड़ के ना, बुक आठ है ना। तो लिखो इफ एक्स नॉट इक्वल टू बुक आठ, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि इफ के सेंसिटिव है यहां पे, अगर ये आठ नहीं हो देन वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स, जो वो सेव करने में नाम नहीं पूछे। क्लियर। अब मैं इस फाइल को तो एक बार सेव कर ही लो क्योंकि ये तो उड़ जाएगा फिर। अब देखो अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, और इसको एक्टिविटी देखने के लिए, एक्शन देखने के लिए एक काम और करता हूँ कि वर्कबुक डॉट एक्टिविटी भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, लेकिन एक चीज हो जाएगा गड़बड़, अगर वही वाला जो जिस पर कोड लिखा हूँ अगर वही पहले बंद हो जाएगा तब कोड ये चलेगा है? आठ आठ वाला, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोड पहले सेव कर लेता हूँ वरना। अब यहाँ पे गया, अब देखो अब क्या हो गया, नहीं नहीं वैसे फाइल को क्लोज, तो पांच को क्यों रखना, हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं लेकिन इनका क्वेश्चन वो है ना कि आठ, हाँ तो फिर हमको इनको भी तो लेके है ना चलना, वर्क सीट नहीं फाइल पर, हमारा कोडिंग इस पे है ना क्लास पर। हाँ तो हम एक चीज इसमें और जोड़ता हूँ, नहीं पर्सनल ग्रहण है तो और एक्स नॉट इक्वल टू हाँ तो ठीक है भाई, इसको तो बचाना अभी हमारी मजबूरी है भाई, जब एक कोड ही नहीं रहेगा तो फिर उड़ेगा किस पे। या फिर एक बात और कर सकता हूँ, कोड आठ पर लेके जाऊँगा तो हो सकता था, तो चलो अभी यहाँ हो गया ना, कौन घी भोज रहा, कोई लगता है ना घी वगैरह भोज रहा है, खुशबू फैला दिया। अब देखो यहाँ पर है देखो है ना बुक थ्री बंद हो जाएगा, बुक चार बंद हो गया, देख रहे हो घट रहा है ना, कौन सा था हमारा और हमारा वाला भी बंद कर दिए, बारह क्यों रन कर बंद हो गया, हमारा तो बंद होना नहीं चाहिए था।
हमारा वाला निबंध होना चाहिए था ये। नहीं तो फिर दोनों चीज़ कैसे चेक करेगा। चलो मैंने फिर से खोला है ना। चौथा बंद हो गया हमारा वाला अभी बंद कर दिया। इसका मतलब है हमारे कोडिंग में दिक्कत है फिर कहीं। कोडिंग में दिक्कत है अच्छा चलो अगर इस फाइल का नाम मैं थोड़ी देर के लिए ये एक कर दूं ये क्यों बंद हो रहा है। इसका तो बंद होने का कोई मतलब नहीं। फिर बंद हो गया क्या। अभी तो बचा हुआ है ये बाकी हट रहा है ना। अब 1:10 बचा हुआ है तो ये है 10 10 बच्चा हमारे वाले को ही बंद कर देता। हमारे वाले को क्यों बंद कर रहा है यार। एंड होगा नहीं एंड में क्या होगा। नहीं एंड में कैसे होगा अगर अच्छा एंड होगा। एंड होगा हैं हैं क्या। नहीं नहीं एंड ही है। हाँ तो फिर दोनों में से कोई एक में मैच रहा हाथ कर तो भाग अब की बार बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ हो गया गड़बड़। यहाँ से बुक 8 हट गया। अब मैं इसको कर देता हूँ 15 ठीक है। अब बच जाएगा। अब बच गया एंड तो होगा। हाँ अगर बुक के फाइल 15 न हो और ये न हो तो बंद हो। अब देखो बच गया 15 अगर नवीन क्लियर ऐसे सिट से कर सकते हो तो ये जो है। अब देखो अगर ये वर्कबुक क्लोज की हमें क्यूरी नहीं आती लाइन नहीं आती इफ का लाइन नहीं आता जैसे मैंने और लिखा इन्होंने कहा एंड लगाओ तो इनको अगर एंड का क्लियर नहीं होता तो हमारा ये क्यूरी सॉल्व नहीं होता क्योंकि लूप तो हम लगा लेते लेकिन ये लाइन भी तो चाहिए क्योंकि अपने बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया लेकिन कोई कहेगा मेरा खिड़की इस कलर का लगाओ खेरा खिड़की इस कलर के मेरा किवाड़ इस कलर तो वो जो होगा ऑन चॉइस उसकी तो आपकी जानकारी होना चाहिए ना। तो हो गया लूप के क्लियर। और ये जो लगाते हैं आई वाला तो काउंटर है कि जो आई इज इक्वल टू कहाँ तक रन करना मार्च। तो इसमें एक चीज़ और है अब मैंने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 50 और
नेक्स्ट आए, और एक चीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50 से आए, क्या ये उल्टा काम करेगा? पहले बार में बाहर तो उल्टा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उल्टा करवाना होगा तो हम कुछ और करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा 1 to 50, और यहाँ पे लिख दोगे स्टेप 5 या स्टेप 10। अब ये 10-10 जंप जंप करेगा। हाँ, ठीक है। तो जो आपने बोला ना उल्टा, तो उल्टा अगर करोगे क्वेश्चन तो है, वो जो मैं होमवर्क में देता हूँ उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा रहा, चाहे हाँ बोलो। फोर चलेगा नंबर पर, फोर इच चलेगा ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं ग्रुप नहीं, एनी थिंग ऑन विच एक्सेल परफॉर्म इज ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्सेल परफॉर्म करता है, सेल चार्ट पाइवट वर्कबुक बुक ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, फोटो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन 15 लिखोगे तो क्या हो गया? वो तो हो गया नंबर, वो ऑब्जेक्ट, वो वैल्यू हो गया सेल के, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये है, अब मैं इस पे क्वेश्चन है कि अगर कोई वैल्यू इसमें से ग्रेटर देन 50 है, अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो सेल डॉट वैल्यू इजकल टू ब्लैंक करना है, समझ गए? तो इसका जो आउटपुट आएगा इस तरह आएगा ना। तो मैंने लिखा सफा, अब बताओ ये फोर से बनेगा कि फोर इच से बनेगा? दोनों से बन जाएगा। आप फॉर इच सेल इन सेलेक्शन और नेक्स्ट सेल इफ सेल डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 50 देन हो गया। अब क्वेश्चन ये है इसमें उस सारे रो को डिलीट करना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 57 हो, 50 हो, तो ये डिलीट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना? अब मैं इसको 4i से बना रहा हूँ, पूरा रो
लूप 10 फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू 14 नेक्स्ट आई इफ अब कर्सर कहाँ पे जाएगा, ये कैसे डिनोट करोगे, ये कैसे इसमें करोगे, तो इफ सेल करो या फिर रेंज, इफ रेंज और इसको एक्टिवेट ही करा लो, तो इसको ना तो कि हम लोगों को भी पता रहे कि कर्सर कैसे, वैसे बिना एक्टिवेट क्या हो सकता, लेकिन हम जानबूझ के एक्टिवेट कर रहे हैं कि हमें देखे। जब एक्टिवेट हो गया तब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, और एक्टिव सेल डॉट इंटायर रो डॉट, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को मैंने यहाँ पोस्ट करके रखा, अब यहाँ से चल रहा हूँ। अब देखो हमारा कोड अब कितना लाइन का हो गया, बढ़ गया, लेकिन इसमें अगर हमें लूप और इफ़ का कोई जानकारी नहीं होगी तो हमारे पास, या फिर हमें इसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास बाकी चीज़ हो गया और एक चीज़ कम रहा तो उसको हम नेट से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता है तब फिर नेट से ढूंढना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बच गया, क्यों बचा, क्यों बचा, उसके पीछे क्या है कारण। देखो कारण यह है कि ये कहां से कहां तक चलना है, 14 तक। ये कौन से नंबर पर डिलीट होगा, 5 पर, और ये 6 पर। जब वो चलेगा तो 1 से 14, अब मैंने इसको कर दिया, अगर एक ये होगा पांचवें पर, ये छठे पर, अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो पांचवा तो चल चुका है, अब कौन सा चलेगा, और अभी छठा पर क्या है, तो 55 बच जाएगा, दोबारा तो चलेगा लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में रुक जाएगा, क्योंकि ये एक्सेल का फीचर है कि जो पांच बार तो चल गया लेकिन पांच को हटा दिया तो छठा हो गया 5 पर, और वो चलेगा छठा, तो जो अगर पांचवें पर वो चीज उसको मिल रहा तो वो रुक जाएगा, ठीक है, तो भी होना चाहिए भाई, कर रहा हूं, लेकिन फॉर ईच में भी तो ये भी तो हर सेल पर जाएगा, अगर इस सेल पर आ गया और 5 को कर दिया डिलीट तब तो छठे पर ना जाएगा, इसलिए लूप को तो समझ ही लो एक बार ठीक से, नहीं तो अरे यार अच्छा चलो कोई नहीं, अब देखो अच्छा चलो फिर से रिपीट कर दे, तो यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में कहीं भी वैल्यू अगर 50 से ज़्यादा है तो उस रो को डिलीट करना, रो डिलीट मतलब यूँ रो को ही डिलीट करना, रो को वैल्यू डिलीट करना अलग चीज़ है, रो के वैल्यू डिलीट करना मतलब उसके वैल्यू हटा, रो का डिलीट मतलब पूरा मतलब ये ऊपर खसकेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ से चलाया रन किया
तो इसमें क्या किया कि 55 से ज़्यादा के वाला के रो को डिलीट कर दिया, लेकिन आप देखोगे कि ये बच गया, बच गया, हाँ ये बच गया। तो ये इसलिए बच गया कि मैंने इसको कहा है कि 1 से 14 तक चलो, लेकिन अगर पहला चलेगा दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चला पहला दूसरा तीसरा हट गया, चौथा पाँचवा इस तरह चलेगा। अब ये पाँचवा जो चलेगा उसके बाद चलेगा छठा, तो पाँचवा जो चला तो इसको कर दिया डिलीट, तो पाँचवा तो चल चुका है, अब कौन चलेगा? और जब ऊपर से जाओगे तो छठा कौन है भाई? ये तो 5 तक हो चुका है ना, अब फिर वो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो अगर नीचे तो छठा ये है, तो ये बच गया। क्वेश्चन ये यही है। हाँ है? डिलीट करना है। लॉजिक तो हमारा ठीक है, लेकिन ये एक्सेल का भी कुछ फीचर है, कुछ एक्सेल का भी फीचर है, उसमें आप क्या करोगे? अगर किसी को 100 लड्डू बांटने के लिए दिया, पहले अनाउंस कर दिया गया भाई 100 लड्डू है, 100 लोग लाइन में लग जाओ, हाँ वो बात अलग है, लेकिन आप इन्हें कहो कि एक चूंकि इन्होंने कहा कि 4 ईच में चले, तो आप अभी सीख रहे हो तो सीखो, अब फिर लिखो 4 ईच सेल इन रेंज, 4 ईच सेल इन सेलेक्शन कर दे, सेलेक्शन से कर दो या वो कर दो नेक्स्ट सेल, यहाँ एक्टिव सेल नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेल दोगे, ठीक है? अगर एक्शन देखना है तो यहाँ पे देखोगे एक्स इज इक्वल टू सेल डॉट एड्रेस और रेंज एक्स डॉट एक्टिवेट, सिर्फ हमें देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेलेक्ट हुआ भी एक एक वैल्यू हट भी गया, वहाँ पे कर्सर वहीं वहीं पे था ना। अच्छा यहाँ पे तो कर्सर नहीं मालूम होगा ना कि कहाँ जा रहा, क्योंकि फिर तो वो तो रहा, यहाँ भी फेल कर गया, यहाँ भी फेल कर गया भाई। वो भी तो पढ़ेगा पहला सेल दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, तो अब क्या होगा? ये भी हमारा फेल हो गया, तब तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने बोला फर्स्ट में ही कराना है तो देखो इस समय तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये इसको नीचे से ऊपर जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तो कुछ तो घसकेगा नहीं। ये फर्स्ट बार चलेगा 14, अगर यहाँ पे उसको मैच करेगा तो एग्जीक्यूट किया करेगा चाहे नहीं करेगा। अगर मान लो मैं इतने को हटा भी दूंगा तो ऊपर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर का हटाता हूँ तो सॉरी पहुंच जाएगा। तो इसको मैंने कहा कि उल्टा चलो, ठीक है?
है ना, ठीक है ना। 14 पे गया, कहाँ का करेवर हो रहा है। ये कहाँ पे अटक गया है। लूप में होगा सेल, अब अभी ऐसे में तो एक्टिव सेल करना होगा ना। देखो ये कर्सर जा रहा, अभी अभी हो रहा डिलीट, अभी फिर ऊपर न रहा जा, डिलीट तो ऊपर से तो अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ईच सेल इन, अब ईच सेल इन सेल्स तो किया, अब सेल्स होता क्या है, सेल्स क्या है भाई। अगर सेल्स दिए हो तो कुछ होगा ना भाई। ये क्या है, ये शायद पूरा सीट को लेगा ये, ये, ये इसको लेना चाहिए। ये तो तूने फंसा दिया है, सेल्स ले लिए पूरा। अब देखो ये कर्सर की कितना फास्ट भागेगा, ये कितना भागेगा पता है, 10, 10, 48, 576 और 16, 384। ये तो हैंग कर जाएगा। वैसे मैं करा नहीं, रुको रुको एक बार इसको करा के देखता हूँ। इसको देखना जो परफॉर्मेंस है ना, ये देखना एक ही बार ये 100% भागेगा। ये किधर गया कोड, अच्छा इस पे। और पहले क्या था यहाँ पे, ये देखना भागेगा, ये फुल रैम यूज हो रहा है अभी, 99% हो रहा है यूज, क्योंकि वो कितना स्पीड में भाग रहा होगा आप समझ सकते हो। हैंग हो गया, ले भाई एक साला कहीं मुझे फाइल सेव करना था यार। ए भगवान, सारा तुम्हारा कोड गए कहीं उड़ने जाए। अबे यार ये तो, ये कोड आप लोग तो टाइप कर सकते हो ना। फाइल कब हुआ है सेव लास्ट बार, 12:46, 2 मिनट पहले हुआ है सेव, उड़ा सकते हैं। देखो है, मैंने बोला था ना कि क्या होता है रैम का हालत, देख लो 99% यूज हो रहा है। इसी में रैम बैठ भी सकता है, इसमें रैम
बैठ भी सकता है, 100% 99% यूज हो रहा। ऐसा माइक्रो मत चलाना यार, साला खराब हो जाएगा। ठीक है, इस पे था ये नहीं, सिलेक्शन का मत ये हुआ है? नहीं बस केवल यही, वो सिलेक्शन पर काम करेगा। आप सिलेक्शन करा के दोगे तो वो अलग चीज़ है। आपने कहा आपने आप अभी इतना सिलेक्शन करा दिया तो बात अलग है, लेकिन सिलेक्शन का मतलब इस कोड से पहले जो है ना, सिलेक्शन वाला इस कोड से पहले जो भी आप सिलेक्शन करा के दोगे, आप मैनुअली कराओ या कोड से कराओ, वो आप पर डिपेंड है। एक होता है लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, उसमें क्या होता है देखो, अगर मैंने कहा कि हर सीट पर जाए, क्लियर, हर सीट पर जाए और हर सीट के H1 से H5 तक में वैल्यू को डाले, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, तो अब हर सीट पर जाना है और हर सेल पर जाना, हर सीट के हर सेल पर जाना है, पहले हमें कौन सा कोड लिखना चाहिए, हर सेल पर जाने वाला या हर हर सीट पर जाने वाला? तो फॉर फॉर आई इज इक्वल टू आई करो या सीट से करो, 1 2 6 डॉट काउंट नेक्स्ट आई, हर सीट पर जाएगा, क्लियर। अब हर सीट के H1 से H5 तक, अब फिर लिखोगे यहाँ पे फॉर जे इज इक्वल टू 1 2 5 और नेक्स्ट जे। इसमें क्या क्या है, जो पहले शुरू होगा वो बाद में ख़त्म होगा और जो बाद में शुरू होगा वो पहले ख़त्म होगा। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ से स्टार्ट किया, ये डायरी बाद में शुरू हुआ तो डायरी पहले ख़त्म हो जाएगा, और टेबल पहले शुरू हुआ था तो सेवर, अब यहाँ पे पेन आ गया तब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये शुरू हुआ, फिर ये शुरू होगा, पहले ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर ये ख़त्म होगा, हाँ वो पहले पहले ख़त्म होगा। अब जो है लूप आई इजकल टू 1 2 6 डॉट काउंट लिखा है, तो सीट एक बार चलेगा सीट के लिए पहले सीट पर, और जे चलेगा कितनी बार, 5 बार, वो 5 बार अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर लेगा, फिर वो जाएगा ऊपर, फिर सेकंड सीट पर जाएगा। यहाँ भी सीट 5 है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा दिखने में, और इसको कर देता हूँ 4। अब देखो, अब यहाँ पे आएगा, मैंने कहा था H पर, तो H को डिनोट करने के लिए सेल्स से भी लिख सकते हो और H से भी लिख सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो सेल्स I सॉरी J कोमा 8 डॉट वैल्यू इजकल टू J, ऐसे लिख सकते हो, या फिर रेंज एच आई नहीं जे जे ठीक है। अब यहाँ से होगा रन, तो पहले चलेगा आई, 7 सीट है ना, अब यहाँ पर गया फर्स्ट पर, अब मैंने सीट पर तो फर्स्ट पर तो गया, लेकिन मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, सीट्स एक्टिवेट, यहाँ पे गया
हो गया चार तक, ये जैसे हो गया बाहर, अब जे पांच बाहर गया, फिर जाएगा दूसरे पर, अब हमारा दूसरा सीट एक्टिवेट हुआ। नहीं सीट फोर्थ तक नहीं, ऑल सीट पर है, सारे सीट पर जे चला है चार बार वो चाहे थे। अच्छा अब हमें इसी में करना है कि जब भे, हाँ एच टेन से, तो जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या है, one है। और एक कार्य 10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं यार हाँ या तो आप तो यहाँ भी 10 to 14 कर सकते हो, या फिर यहाँ अगर 9 कर दो तो अब देख लेते हैं, हो गया ना। अब इसी में एक चीज और कर रहा हूँ मैं कि ये जो नंबर है हर सीट पर है ना 1 to 4, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला पर हो 1 to 4, उसके बाद फिर 5 6 7, उसके बाद 8 9 10, माने एक से स्टार्ट हो, तो अगर 7 सीट है और 4 नंबर है तो 7 6 28, 7 सीट ना है, कितना सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 सीट है ना, तो 28 मतलब यहाँ पे आना चाहिए 28, वो कैसे होगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जाए पहले 1 2 3 4 5 हो गया चार तक, और यहाँ से 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ तो अब यहाँ पे कहाँ पे क्या करोगे, स्टेप फोर तो चार चार जंप करेगा भाई, प्लस अगर इसमें जे में जे कर दोगे तो पहला बार में 1 फर्स्ट शीट पर, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 4 6 8, और अगला सीट पर फिर हो जाएगा 2 4 6 8, यहाँ पे पहला चेंज यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू a+1, लेकिन a+1 करेगा तो ये वैल्यू रखेगा, ये तो उड़ जाएगा, नहीं यहाँ पे रहना चाहिए, देखते हैं एक बार चल के देखते हैं। नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी भी नहीं हो रहा, तो इसको
ऐसे कुछ मान लिया, तो इसको इसको करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, और नहीं यार ये तो, और यहाँ पे करता हूँ x x इक्वल टू ए ए, अभी देखता हूँ जब यहाँ से चला तो ए की वैल्यू आ गया 1, ए की वैल्यू 3 कैसे हो गया, ए ए 1 फिर ए 3, अच्छा वन टू थ्री फोर, एक वैल्यू 4 और इसका वैल्यू एक्स एक्स की भी 4। अब यहाँ पे आएगा दूसरे पर सीट, अब एक फिर कितना हो गया 5, एक 6, तो इसको अच्छा हमने तो वैल्यू कॉल कहाँ कराया, इसको यहाँ दिया और इसको ए कर दिया, हुआ तो सही लेकिन पूरा ए वैल्यू बदल रहा है, तो इसको तो एक्स इक्वल टू ए ए यहाँ पर फिर देते हैं ए इक्वल टू एक्स एक्स, इसको जो मैंने यहाँ पे चलाया पहले इसको तो ब्लैंक करने देता, अब जब यहाँ पे चलाया या फर्स्ट सीट पर आया तो यहाँ पे हमने दे दिया ए ए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 आया ए ए, फिर नेक्स्ट पर गया तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 4 है, तो अब यहाँ आया फिर ए की वैल्यू 4 था 5 हो गया, ये तो ठीक तो है, 5 दे दिया 6 दे दिया 7 दे दिया 8 दे दिया, फिर यहाँ आया ठीक तो हो गया, हो तो गया, नहीं समझे अरे यार चलो अच्छा इसको छोड़ के बाकी समझ में आया, अब इसको ऐसे समझो, अब इस गली के बाहर कोई बंदा खड़ा था, उसको कुछ पंपलेट था पर्चा था, उसको हर गली के इस हर मकान के हर फ्लोर पर जाके बांटना था, क्लियर, फर्स्ट मकान पे गया 4 फ्लोर है, गया ऊपर गया 4 ऊपर दिया गया, फिर नीचे आया ऊपर गया नीचे गया, जब उसने स्टार्ट किया तो एक पेज लिया, उस पेज पर एक लिख दिया या पे एक था डब्बा था उसमें उन्हें एक के सिक्का डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट मकान के फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड पर गया फिर एक सिक्का और डाला, थर्ड पर गया एक सिक्का और डाला, चार पर गया एक सिक्का और डाला, उसके पास वो डब्बा रखा हुआ है, अगला मकान पर गया फर्स्ट फ्लोर पर गया एक सिक्का और डाला, अब उसके पास कितना हो गया 5, छठे पर गया एक सिक्का और डाला 6, सातवें पर एक सिक्का और डाला, चौथे पर गया
एक सिक्का और जाना, 8 हो गया। उसके पास वो डब्बा है ना, तो यहाँ मैंने वही कहा है कि जब पहले इसको ब्लैंक करा दिया मैंने, हर सीट पर हो गया ब्लैंक हो गया एच वाला, तो यहाँ पर गया फर्स्ट सीट पर गया, तो यहाँ पर गया फर्स्ट सीट पर गया कर्सर खाली है, ये चार बार चलेगा। फर्स्ट बार मैंने कहा कि a इजकल टू 1, अभी a की वैल्यू क्या है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इस लाइन को पार करेगा तो, क्योंकि मैंने ब्लैंक में 1 जोड़ा है तो वो हो गया 1। अब a की वैल्यू रह गया, सॉरी यहाँ पे इसने 1 डाल दिया, ठीक है। अभी a की वैल्यू क्या है, 1, ये फिर जाएगा ऊपर, एक वैल्यू पहले से क्या है, एक और जोड़ा 2 हो गया, फिर गया ऊपर 3 4, अभी एक वैल्यू क्या कर रहा है, 4 है। ये जे वाला जो लूप है, जे वाला लूप आपने कंप्लीट कर दिया, एक कर गया, अब वो ऊपर जाएगा आई पर, सीट 2 होगा एक्टिवेट। अभी तक एक वैल्यू अपने में 4 स्टोर कर रखा है ना, उसको मैंने हटाया नहीं ना, तो यहाँ पर आया, फिर आया यहाँ पर, अब पहले एक पास कितना है, 4, और मैंने एक और डाल दिया 5, बस मैंने एक उसको, हाँ, स्टैटिक कुछ उस टाइप से हुआ। नवीन इस टाइम थे इधर ही ना, ये हो गया लूप के अंदर लूप, भले इसमें आपने 3 डालो या 4 डालो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमारा अभी का हिसाब किताब क्या है, हमें भी क्या चाहिए। क्लियर? एक होता है डू व्हाइल और डू अंटिल लूप, डू व्हाइल 4 आई और 4 इच, तो क्लियर हो गया ना, एक है डू व्हाइल और डू अंटिल, डू व्हाइल इसको दो ढंग से लिखते हैं आप, जैसे यहाँ लिखे लूप का हाई होमवर्क दे दीजिए, लूप का ना होमवर्क दे दीजिए, और डू व्हाइल और डू अंटिल चलने पढ़ा दीजिए, ताकि हम लोगों को टाइम मिलेगा उसे समझने के, समझने में, क्योंकि सब ये हम लोगों को एनर्जी लेगा बहुत ज्यादा, टाइम मिलेगा मतलब खेलने का, ठीक है, लेकिन याद रखना छुट्टी मत मानना कोई, अगर अरे यार तो ये क्या बात है, तो एक चीज बताओ, तो होमवर्क क्योंकि घर पर नहीं कर पाओगे, यहाँ आओगे तो दो चार कुछ बनाओगे तो कुछ तो दिमाग खोलेगा, क्योंकि घर पर नहीं हो पाएगा। अरे घर पे तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि होमवर्क मैं रहा हूँ दे, 2 संडे छुट्टी मार लो और तब आओ, तो नहीं कर पाओगे, तब नहीं, अगर यहाँ आओगे तो 2-4 तो बनाओगे बनाओगे। चलो फिर और ये, और सुन लो, ये जो लूप है ये सिर्फ बीबीए में नहीं है, SQL पढ़ लो, HTML पढ़ लो, जावा पढ़ लो, कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ लो, सब में रहेगा। सिंटेंस हो सकता है रेंज की जगह, वहाँ कुछ और होगा, आई तो रहेगा ही, जे तो रहेगा ही, चाहे आपको अगर नेट पर अगर सर्च करोगे तो देख लेना, ये तो रहेगा, लुप्त रहेगा। हाँ बोलो आप। हाँ ऊपर जाने के बोल रहे थे। बोलो ठीक है, तब तक होमवर्क खुलता हूँ तब तक आपको याद आएगा। तो आपके घर से दूर कितना ऑफिस, तब तो सही है यार, आधा घंटा तो हम लोगों का साकेत जाने में लग जाता है। देखो ये समझना इसका क्वेश्चन,
ये है क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट सीट को यार। और जब आप यहाँ पे कोडिंग बनाओगे ना यहाँ पे, तो इस सीट को एक्टिवेट कर देना, और क्वेश्चन वन जो भी है इसी सीट को बनाना, जिस सीट को बनाना उसी को एक्टिवेट कराना, जो हमको चेक करने में ठीक रहेगा, है ना। वो बात अलग है, मतलब आपको एक होना चाहिए थोड़ा सा ठीक रहता है। ये देखो हो जाएगा। अरे यार इतना ये देख लो, क्वेश्चन लेकिन ठीक से लेना, पढ़ लेना, जो कह रहा है वही करना। उसी में ऊपर नीचे इफ लगाओगे ना, तो ना आउटपुट लाइक दिस, ऐसे 1 2 3 4 5 इसमें होना है यहाँ, हाँ, और एक यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे है। I want to increase font size 15 11 12 all cell where existing value is greater than 40। इसमें ये है, इसमें कैसे है ये सबको यू करना है, सेपरेशन चाहिए, और ये वैल्यू मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, और एक ही माइक्रो चलेगा और हो जाना चाहिए। डिलीट ऑल सीट एक्सेप्ट हुज नेम इज अमित, ठीक है। डिलीट नेगेटिव वैल्यू, डिलीट नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, इस लिस्ट से नेगेटिव वैल्यू हटाना है, और डिलीट द रो व्हिच वैल्यू इज नेगेटिव, जिसका वैल्यू नेगेटिव है उस रो को हटाना है। दो हो गया। मेक ए माइक्रो टू डिलीट दैट सीट वेयर ए इज फाउंड इन सीट नेम, अगर उस नेम में जो माइक्रो जो सीट का नाम है अगर उसमें ए कहीं पे पाया गया तो उस सीट को डिलीट करना है। ये एक कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसको इनपुट बॉक्स से क्वेश्चन आंसर दोनों होना चाहिए, क्योंकि इनपुट बॉक्स में आएगा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं फिल करते हो, और जो आंसर टाइप करोगे वो आंसर यहाँ पे सेव होना चाहिए। हाँ उसी में आता है ना, इनपुट बॉक्स में आता है ना नीचे, हाँ अरे यार ये क्वेश्चन है, इनपुट बॉक्स में लिखते हो तो वहाँ हेडिंग आता है, दो हेडिंग क्वेश्चन और नीचे बॉक्स खाली रहता है, हाँ, तो ये क्वेश्चन वन रहेगा एक जगह ये रहेगा, नीचे खाली रहेगा, खाली में राम श्याम मोहन जो भी डालोगे, जैसे नेम ऑफ पीएम, तो जो लिखोगे यहाँ पे अरे यार पे है, बना हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ना आप अपने ढंग से बनाना। किस नाम से होगा ये, अबे यार अच्छा पर्सनल माइक्रो है ना।
कि आया पुट योर आंसर यहाँ पे लिखा मोदी पुट योर आंसर कैपिटल और महाराष्ट्र हुआ अरे यार कुछ गलत हुआ मैक्रो मैक्रो तो रन इच क्वेश्चन विथ अपीयर रन पुट आंसर वेरी स्टोरी सी कोलन आपको है करना छोड़ो इसमें जो भी है आपको करना है वो क्वेश्चन ऐसे आएगा हाँ ऐसे ही आएगा ना अरे इनपुट बॉक्स बनाए नहीं कि हाँ हाँ तो ऐसे ही एक बार क्लिक होगा एक बार आया हाँ फिर हमने आंसर डाला हाँ एक उसका आ गया हाँ आंसर तो टाइप आंसर तो आंसर क्यों होगा डिस्प्ले यार आंसर तो खाली बॉक्स में फाइव सिक्स और एक ही एक नंबर लाइक दिक्स ऐसे करना हंड्रेड से देके जीरो तक ये भी क्वेश्चन वैसे ही है तो उसको बना लो या इसको बना लो कोई बात नहीं अब ये सारा है ना नंबर ऐसा नंबर है ना इस सब को उठा के ऐसे लाना है ना 59 से लेके 14 है फिर 56 से लेके ये सारा नंबर उठ के यहाँ पे आना चाहिए ये रहेगा ब्लैंक ब्लैंक है ना आप एक माइक्रो रन करोगे ये सारा नंबर उठ के इसके नीचे आ जाएगा बस एक्सेल पर मत करोगे बेबीए के कोई और कोड कर लो जो मर्जी कर लो जो आपको पढ़ाया हो ये सारा ईमेल आईडी है ना ये एक के नीचे एक यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए अरे ये इसके नीचे आएगा यहाँ पे पुट वैल्यू कंप्यूटर एट ए फाइव सेल इन ऑल सीट के ए फाइव में कंप्यूटर लिखा होना चाहिए यह ना सिलेक्शन जो सिलेक्शन वैल्यू में आना चाहिए 10 बस इस सब में 10 लिखाना चाहिए इसमें इसका रो कितना है और कॉलम कितना है रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3 ये ऐसे सो होना चाहिए हाँ देखना एक दो दूसरा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन सारे छोड़ना मत इच सीट हैज ए वैल्यू इन ए वन हर सीट में ए वन में वैल्यू है इफ सेल वैल्यू हैज ए करेक्टर इन एनी प्लेस देन दैट विल बी कन्वर्टेड इन अपर केस अगर यहाँ पे है ना ए तो इसको कैप्स होना चाहिए इसमें ए नहीं तो इसको छोड़ देना हाँ अब ये सब है ना वैल्यू ए एक मैक्रो चले सारे कैरेक्टर को जोड़ के यहाँ रख दे बन जाएगा ये कोशिश क्या आंसर करके दोगे यार उसके बाद आया था, हाँ
वो मैक्रो में बनाना है, एरे में नहीं। ये है, ये है मैक, मैक ऑल सीट ए वन है जो वैल्यू, इसमें जो ए वन में जो वैल्यू है ना वो सारे उसके सीट के नाम होना चाहिए। हर सीट में ए वन में एक वैल्यू है, जो वैल्यू होगा वही सीट का नाम होना चाहिए। अरे यार तुमने एक चीज बताओ, रुको 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 रुको, बस कौन कर रहा, तो तुमने आज तक कितना होमवर्क बनाया है? क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? एक चीज बताओ तो फिर सीखो। आपको लूप से बनाओ, अभी तक जो पढ़ा है उसकी बेस पर बनाओ, लेकिन ऑटोमेशन होना चाहिए, मैनुअल वर्क नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं बनेंगे यार, आप लूप पर क्यों जाओगे? लेकिन आपके आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए, सब आपको होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है तो ये कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन देखा तो दिमाग घूमना चाहिए। ठीक है, ये मैक ऑल सीट नेम बिल ये हो गया, ए वन सीट और ऑल सीट नेम बिल भी ए वन सीट, माने जो सीट के है ना नाम वो ए वन में वैल्यू पेस्ट होना चाहिए। नहीं समझे? हाँ एक क्वेश्चन ये है, इसको लोगे बना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बन पाएगा तब? ये 5-4 है ना, 5-4-6 ऐसे आना चाहिए आउटपुट। अब ये चीज है, ये इतना है ना, नेट मेक दिस टाइप ऑफ टेबल एज पर एयर की रिक्वायरमेंट, ये है ना। अगर इनपुट बॉक्स से अगर उसने 10 मांगा तो ये कॉपी करेगा और यहाँ 10 बार पेस्ट कर देगा। अगर अगर वो 5 बोलेगा तो 5 बार पेस्ट कर देगा। इनपुट बॉक्स से नंबर होगा ना फाइंड, 4 बार करना, 5 बार करना, 6 बार करना। अब इसको देखो, ये भी ये तो अभी नहीं बन पाएगा। इसमें क्या है, ये जो है ना बिना वैल्यू के बाहर ही नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ होता है ना ओके या कैंसिल, ये कुछ कुछ काम नहीं करेगा। जो भी है, लेकिन ये अभी अगर बन पाएगा तो ठीक है, बन छोड़ देना इसको भी। अब अरे नहीं ऐसा मत करना यार, टाइम कंज्यूम करना, टाइम कंज्यूम करना। इसमें देखो, ये जो डाटा है, इस डाटा पर हमारा पाइवट टेबल नहीं लग पाएगा, इसका हमारा पाइवट टेबल नहीं काम करेगा। लेकिन इस डाटा को अगर इस रूप में लाओगे तो पाइवट टेबल बन जाएगा। तो इस डाटा को, पूरा डाटा को इस रूप में आपको लाना, मतलब जैसे ना ये जगह दीपक, यहाँ से जगह नाम, यहाँ पे ऐसे डेट। हाँ भाई, अगर है नहीं तो अपना ट्राई तो करोगे कि छोड़ दोगे क्या? कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करो। यहाँ पे देखो, ये सीट को ना रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। इसमें कोडिंग बना हुआ, आपको अपना अलग बनाना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब देखो, 1 जिस बता रहा हूँ, ऐसे है ना,
इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, पहले जी उसके बाद ए। अब देखो हो गया, सारे उसके अनुसार उसी अनुसार। अरे यार तो यार देखो, जब इस पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, उसके बाद ये डी डी, फिर ऐसे होगा। अब देखना बन गया, बस यही बार बनाना है। अभी तो बनिया जाएगा यार। अरे ये तो यार बना रखा हूँ मैंने, लो ये बना रखा हूँ, पढ़ लेना इसको, ठीक है, इसको पढ़ लेना अब, ठीक है। सीट पर ये है सीट प्रोटेक्ट। देखो ईच सीट हैज ए वन एन वैल्यू, इफ दैट सेल वैल्यू हैज ए करेक्टर इन एनी प्लेस इन दैट सीट विल बी प्रोटेक्टेड और पासवर्ड विल बी ए वन सेल वैल्यू। अगर हर सीट पर जाना है, अगर उसमें ए मिले तो सीट को हो जाए प्रोटेक्ट और उसका पासवर्ड वही रहेगा ए वन सीट का। हाँ बस इतना ही है। बनाओ नवीन, देखो सिंपल से